नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से खबर है, दिल्ली बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक है आज। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक, बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक, योजनाओं को लेकर लिया जाएगा फीडबैक। बैठक में आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा, सरकार के कामकाज पर भी रखा जाएगा ब्यौरा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगी बैठक। बैठक में आगे की रणनीति पर भी होगी चर्चा, सरकार के कामकाज का भी रखा जाएगा ब्यौरा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगी बैठक। बीजेपी शासित राज्यों के प्रभारियों की बैठक है आज दिल्ली में, जहां पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के साथ ये बैठक की जाएगी। बीजेपी मुख्यालय में होगी ये बैठक। योजनाओं को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। क्या कुछ इस बैठक में होना है और क्या कुछ विशेष है आज के इस बैठक में? देखिए, जाहिर तौर पर संगठन को लेकर चर्चा होनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल शाम जो है वो जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी अगुवाई में बैठक हुई थी, जिसमें कि जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है वो सारे शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी की आगे की रणनीति बताई गई थी। बीएल संतोष भी कल की बैठक में मौजूद थे और कल की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, खासतौर पर राज्यों को लेके, कि आखिरकार प्रदेश प्रभारियों को आगे बूथ लेवल तक किस तरह से काम करना है, ये चीज जो है कल रात स्पष्ट हो चुकी थी। और उसी संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई, जिसमें पूरे देश में जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है, तमाम प्रदेश प्रभारियों को बुलाया गया। बीएल संतोष खुद बैठक की अगुवाई करेंगे, केंद्रीय संगठन मंत्री है, और पार्टी के एजेंडे की बात करेंगे कि आखिरकार जो प्रदेश प्रभारी है उन्हें प्रदेश में जाके पार्टी के एजेंडे को किस तरह से न सिर्फ फिक्स करना है बल्कि पार्टी के एजेंडे को किस तरह से आगे बढ़ाना है। बीजेपी लगातार 2024 की तैयारी यहाँ पे हो ही रही है, लेकिन इसके साथ ही गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव है, क्योंकि बीजेपी एक इकलौती ऐसी पार्टी यहाँ पे दिखती है जहाँ पे हमेशा चुनावी मोड में होती है और जब भी कहीं चुनाव होता है उससे पहले ही बीजेपी की सारी चुनावी रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं तैयार दिखती है। और यही चीजें आज बैठक में दिखेंगी। बीएल संतोष की अगुवाई में जो बैठक हो रही है, तमाम प्रदेश प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि वो अपने प्रदेशों में जाके संगठन की बैठक बुलाए, प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक बुलाए और उस बैठक के साथ किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाना है। ना सिर्फ केंद्र सरकार की जो योजनाएं, महत्वाकांक्षी योजनाएं, उन योजनाओं की बात लोगों से करनी है, बल्कि संगठन किस तरह से लोगों के साथ खड़ा है, सरकारें किस तरह से बीजेपी के लोगों के साथ खड़ी है, इन चीजों से भी लोगों के बीच जाना होगा। योजनाओं का फीडबैक लेना और साथ ही साथ 2024 के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं ये रणनीति कही जा सकती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारी बैठक हो चुकी है और हर बार बैठक में नया एजेंडा दिया जाता है और पुराने एजेंडे की समीक्षा भी की जाती है। हम बात करें चाहे अमृत महोत्सव मनाने की बात हो, जब तमाम सांसदों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाए, पदयात्रा निकाले और उसे लेके आगे काम करे, लोगों के बीच जाए, या जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, खासतौर पे हमने देखा था उन्हें लेके भी सांसदों को, मंत्रियों को और विधायकों तक की ड्यूटी जो है वो इन कामों में लगाई गई थी। एक बार फिर इसी तरह का देखने को मिलेगा यहाँ पे, एक बार फिर प्रदेश प्रभारियों के जरिए जो है प्रदेशों के कामों का वितरण आज की बैठक में खासतौर किया जाएगा, क्योंकि पार्टी इस बात की हमेशा जो एक खास तौर पे जो प्रधानमंत्री की तरफ कहा गया था वही बात जो है वो पार्टी भी बात करती है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और यही एजेंडा जो है वो लगातार पार्टी उस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि अब यहाँ पे आज की जो बैठक है वो खासतौर पर प्रदेश लेवल के नेताओं के लिए काफी अहम है, जो दिशा निर्देश यहाँ पे प्रदेश प्रभारियों के दिए जाएंगे और उसी के अनुसार तमाम प्रदेशों का संगठन और सरकारें उस एजेंडे पे काम करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज
जो है राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक है, दिल्ली से खबर है। और इस बैठक में योजनाओं का फीडबैक भी लिया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक की जाएगी, जहां पर सरकार द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनका फीडबैक भी लिया जाएगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक ये बैठक होगी।